देख सकते हैं अभी मेरा जो है ब्लड टेस्ट अभी सर लेने वाला है और मैं भी देख लूंगा कैसा मेरा ब्लड टेस्ट, क्या क्या रिपोर्ट कैसा आता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई प्रेम कुमार। दोस्तों जैसे आपको पता है कि SSC GD का जो है मेडिकल चल रहा है और आर्मी का भी जो है मेडिकल बहुत जल्द आने वाला है, और मैंने आपको बताया था कि ब्लड टेस्ट के अंदर बहुत सारा ऐसा जांच होता है जो SSC GD के मेडिकल में लिया जाता है और बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होने की वजह से क्या होता है कि हर बार वो अनफिट हो जाते हैं। बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला, मैं आपको एक पूरा नॉलेज दूंगा कि ब्लड टेस्ट के अंदर क्या क्या जांच किया जाता है, ठीक है, वो सारा नॉलेज आपको वीडियो के अंदर मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को यार बहुत ज्यादा अच्छा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि हमें एक मोटिवेशन मिलेगा इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आज हमारे साथ है, आज मैं हूँ लेबोरेटरी के अंदर जहां पे ब्लड का जो है पूरा जांच लिया जाता है और वहां के ये ऑनर यानी कि डॉक्टर साहब है। तो पहले बात सुनो कि आपका नाम क्या है। GMD मासूम नाम है मेरा। तो सर जैसे कि आपको पता है कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड के बारे में कि ब्लड की जांच में क्या क्या लिया जाता है, और ऐसा आपको मैं बता दूं कि सर भी जो है डिफेंस से जुड़े हुए हैं और ये भी खुद आर्मी की तैयारी बहुत बार कर चुके हैं और इन्होंने बहुत बार मेडिकल दिया है तो इन्हें जो है बहुत ज्यादा नॉलेज है इन सब चीजों के बारे में। तो सर मैं आपको पूछना चाहूंगा कि नॉर्मली जो डिफेंस के अंदर जो ब्लड चेकअप किया जाता है वो क्या क्या चीज होता है सर, क्या क्या चीज जो है ब्लड के अंदर देखा जाता है। सबसे पहली बात तो मैं करता हूँ कि हीमोग्लोबिन के बारे में। वो हीमोग्लोबिन जो एक शरीर में एक्चुअल रहना चाहिए वो 12 से 14 के बीच रहना चाहिए, ठीक है, मिल के मिल का। और उसमें ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपना जो हीमोग्लोबिन है वो कम ना हो, ठीक है। और दूसरी नंबर पे आते हैं ब्लड ग्रुप, जो आपका मतलब सब चीज में काम आता है जी, जी। जो नॉर्मली होता है वो ब्लड ग्रुप जी, तो वो भी आपका टेस्ट कराना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं आप शुगर का जी, ठीक है। तो शुगर में आपका वो जो डायबिटीज होता है वो आपका मतलब कंट्रोल में होना चाहिए जी। एक लेवल होता है उसका 70 से 140 के बीच, ठीक है, तो उसके लेवल में आपके शुगर होना चाहिए। तो उस बात के भी ख्याल रखना है कि आपको शुगर नहीं हो जी। उसके बाद आप आ जाइए VDR, एक VDR टेस्ट होता है जो सिफिलिस का होता है वो, ठीक है जी। तो उसमें आपका कई तरह का बीमारी होते हैं जो उससे अनफिट किया जाता है। उसके बाद फिर एक हेपेटाइटिस का जांच होता है जी सर, जिसको हम लोग बोलते हैं HBSEG। ओके। तो उसमें भी एक लीवर का रिलेटिव से जांच होता है, ठीक है। तो उसमें भी आपको देखते हैं वो लोग कि ये ठीक है या नहीं है, तो उसका भी जांच किया जाता है। तो वो सबका ख्याल रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद एक आता है HIV का जो बहुत सी खतरनाक होता है जी, जी। तो उसका भी आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा कि मैं उस तरह का लायक नहीं हूँ, मतलब हूँ। उसके बाद आपका एक टेस्ट होता है पेशाब का, जिसमें आपका कोई बैक्टीरिया जैसे कि पस सेल हो गया और भी बहुत सारा होता है, जिसमें आपका वो एपिथेलियल सेल वो भी बहुत सारा होता है जो आपको नहीं आना चाहिए, वो सब नील होना चाहिए। और ये सारा बहुत सारा जांच है जो मैं आपको करके भी बताऊंगा और प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो आप इस पे ज्यादा ख्याल रखें कि मैं ये सबसे ना रहूं और मतलब ये सबसे दूर रहूं। और आप एक बार खुद सा मतलब कोई बगल से लेबोरेटरी है तो उसमें आप टेस्ट भी करा सकते हैं। तो जैसे कि वो सारा कुछ पता चल गया क्या क्या जो चेकअप है किया जाता है मेडिकल के अंदर, अभी हम आपको करके भी बताएंगे, यानी मैं खुद अपना ब्लड दूंगा और सर भी चेकअप करेंगे, मुझे सर रिपोर्ट देंगे। दोस्तों एक चीज मैंने जो मेडिकल के अंदर देखा है, बहुत तो गलती करते हैं जो है यूरिन टेस्ट के अंदर। तो सर मैंने जैसे मेडिकल में मैंने खुद देखा है लोग करते हुए गलती कि क्या करते हैं कि वो जरा सा अपना यूरिन देते हैं यानी पेशाब देते हैं और उसमें क्या करते हैं कि पानी मिला देते हैं। पता नहीं उन्हें कौन ये आइडिया देता है कि पानी मिला देने से क्या रिपोर्ट जो हमारा नॉर्मल आएगा। तो सर आपके हिसाब से क्या करना चाहिए इसमें, अगर आप यूरिन टेस्ट लिया जा रहा तो क्या अगर उसमें पानी मिला देते हैं तो क्या वो रिपोर्ट सही आएगा या वो गलत हो जाएगा। देखिए जहां तक मेरा मानना है वो यूरिन में पानी मिलाने से सही आएगा तो वो गलत है, क्योंकि अगर आप टेस्ट कराते हैं तो आपका जो बैक्टीरिया होता है वो आपके अंदर होता है, ठीक है। तो आप इससे बढ़िया है कि आप एक दो दिन से पानी ज्यादा पिए, जो आप 5 लीटर पानी पीते हो आप 7 लीटर 8 लीटर पानी पिए, और जिस दिन आपको यूरिन देना है तो उस दिन आप रात में ज्यादा थोड़ा सा पानी पिए ताकि आपका यूरिन में कोई बैक्टीरिया नहीं आए। और बहुत सारा जो चीज है आपको मतलब पानी से आपका मतलब जितना भी कचरा है वो आपका पेशाब की तरह से निकल जाता है, तो इसीलिए आप मतलब पानी थोड़ा ज्यादा पिए और इससे आपका यूरिन टेस्ट भी मतलब अच्छा से आएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने सर ने भी आपको बताया और मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि क्या होता है कि पानी के अंदर बहुत सारा आयरन होता है, ठीक है, क्योंकि हर पानी जो है उतना फिल्टर नहीं होता है और पेशाब में जितना आयरन नहीं मिलेगा उतना आपको पानी के अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया मिलता है।
तो अगर आपने ये गलती कर दिया कि पेशाब के अंदर टेस्ट के अंदर आपने पानी मिला दिया, तो आपका जो टेस्ट है बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा और समझ सकते हैं कि आपको अनफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं और बता रहा था कि ये आप पानी ज्यादा पिए, उसके बाद आप एक दो दिन पहले आप डाब का यूज करें, और मतलब जिस दिन आप यूरिन देने जा रहे हैं उस दिन सुबह भी आप एक दो डाब पी सकते हैं, उससे आपका यूरिन और भी क्लियर आएगा, एकदम परफेक्ट रिपोर्ट आएगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आप मेडिकल में आसानी से फिट हो जाएंगे, हो सकते हो। उसके बाद आप ब्लड टेस्ट का जो है उसका आप बहुत ज्यादा ख्याल रखें और उस हिसाब से आपका मेडिकल फिट हो सकते हैं। और उसके बाद खाने पीने में भी आपका ऑयली चीज एक दो दिन से आप बंद कर दें, और मतलब ये सब करके आप मेडिकल फिट हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने देखा, सर ने बताया कि आपको क्या करना है कि मेडिकल का दो तीन दिन पहले या पांच दिन या सप्ताह भर कह सकते हैं कि आपको तेल मसाला का सामान जो है बहुत ज्यादा कम खाना है, खट्टा वगैरह जो आपको यूज नहीं करना है, और आप जब यूरिन यानी पेशाब जब देते हैं तब वो क्या करना चाहिए, आपको डाब पी सकते हैं, जिससे जो रिपोर्ट है बहुत ज्यादा अच्छा आएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तब हमको सर जो है आपको करके दिखाएंगे, हो सकता है सर को बोलने में प्रॉब्लम होता होगा क्योंकि इन्होंने कभी इस तरह का इंटरव्यू दिया नहीं है, पर हमारे रिक्वेस्ट करने से इन्होंने एग्री किया कि चलो ठीक है कर देते हैं आपके लिए। तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है, लाइक कर देना वीडियो को, तब सर हम मुझे करके दिखाएंगे कैसे कैसे करना, मैं खुद अपना ब्लड दूंगा। तो सर आप रेडी है? जी मैं रेडी। तो सर भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देख सकते हैं अभी मेरा जो है ब्लड टेस्ट अभी सर लेने वाले हैं और मैं भी देख लूंगा कैसा मेरा ब्लड टेस्ट क्या क्या रिपोर्ट कैसा आता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा मेरा जो ब्लड निकल चुका है और इसका रिपोर्ट जो है, सर ये रिपोर्ट कितना देर में आता है सर ये बताइए। मैं आपको अभी करके बताऊंगा क्योंकि आपको मतलब आपको पता चले कि ये हीमोग्लोबिन टेस्ट कैसा होता है और ब्लड ग्रुप कैसा टेस्ट होता है और शुगर टेस्ट कैसा होता है, उसके बाद आपका HIV हेपेटाइटिस VDRL और उसका भी टेस्ट होगा और मैं आपको दिखाऊंगा करके। ठीक है सर। और ये आपका ये शुगर टेस्ट है, अब मैं इसको 10 मिनट के लिए आप इंक्वायर करता हूं। और ये आप 10 मिनट हो गया, मैं इसे निकाल करके इनका शुगर टेस्ट देखता हूं कितना है। इसे क्लोरीमीटर बोलते हैं और ये मैंने टेस्ट किया इनका। सर आप बताइए मेरा रिपोर्ट जो है अभी आपने किया वो कैसा है? सर बिल्कुल परफेक्ट रिपोर्ट है आपका। और इसी तरह आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं और आप रिपोर्ट में आपका परफेक्ट आ सकता है। तो आप मतलब ये डायबिटीज का टेस्ट था, ये शुगर का था, तो इनका मैंने टेस्ट किया और ये बिल्कुल परफेक्ट रिपोर्ट आया है। टेस्ट हेपेटाइटिस का है और ये HIV का टेस्ट है, ये भी नेगेटिव आया है और ये भी परफेक्ट रिपोर्ट है, एकदम नॉर्मल है। आप इसी तरह आप टेस्ट करवा सकते हैं और करा करके आप मेडिकल फिट हो सकते हैं। तो दोस्तों आपने सारा कुछ देख ही लिया और किस तरह से चेकअप किया जाता है, और मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं कि अगर आप भी SSC GT मेडिकल या फिर आर्मी के मेडिकल में जा रहे हैं ब्लड के लिए, तो आपको क्या करना है, पहले से ही चेकअप करवा लेना है, जिससे आपको जो है पूरा नॉलेज मिल जाएगा। और दोस्तों एक छोटा सा नॉलेज मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आप धनबाद से बिलोंग करते हैं, ठीक है, धनबाद डीगवाड़ी से बिलोंग करते हैं, तो आप इनके लेबोरेटरी में आकर चेकअप करवा सकते हैं। ये काफी अच्छा जो है, अगर आप हमारा नाम लेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी वो दे देते हैं। तो सर आप यहाँ का एड्रेस बताना चाहेंगे कि यहाँ पे ये एड्रेस पड़ता है? ये डिगवाड़ी 12 नंबर में पड़ता है, ये इसके लैब का नाम है CT पैथो लैब, और ये आप गणेश मैदान भी जानते होंगे, उसी के जस्ट बगल में ही है, और उसके अपोजिशन में सुपरवाइजर फ्लैट भी है, तो आप यहाँ पे भी आकर के ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं और आपको कुछ डिस्काउंट भी हो जाएगा। तो दोस्तों
बता दूं कि आपको इनका पूरा जो डिटेल्स या एड्रेस है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप पता कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपका वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल था, आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे कमेंट का रिप्लाई जो खुद ये करेंगे, ये आपको जानकारी देंगे कैसे वो क्या चीज करना चाहिए, अगर कुछ बढ़ता है ये सारी जानकारी देंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।